ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಏ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. हेट स्पीच हिंदी में मतलब समझे तो नफरती भाषण, जो भारत की राजनीति में आज से नहीं है बल्कि बरसों पहले से. चुनाव शुरू होते ही अलग अलग दलों के नेताओं की अलग अलग दलों के नेताओं के लिए जुबान तीखी होती चली जाती है, बल्कि हम तो यूं कहेंगे कि जहरीली होती जाती है. तभी तो फिर भाषा की मर्यादा भी लांघी जाती है. किस पद पर बैठे कौन से इंसान के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है जिससे उसकी और आपकी दोनों की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, लगता है जैसे राजनेताओं को चुनाव आते ही इसका अंदाजा रह ही नहीं जाता. तभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बता रहे हैं, तो राजस्थान के सीएम राजनीति के रावण बताए जा रहे हैं, और तो और कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को तो विषकन्या बता दिया गया, जिससे देश की राजनीति का गिरता स्तर पता चल रहा है, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी हेट स्पीच के खिलाफ याचिकाओं का जैसे अंबार लग गया है, तभी तो शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया है, ऐसे भाषण जो नफरत से भरे हों उन्हें गंभीर अपराध करार दिया जाए. इसके साथ ही भाषण देने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए. देश की सर्वोच्च अदालत के मुताबिक देश के धर्म निरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने वाले इन भाषणों को गंभीर अपराध माना जाए. अगर किसी ने इनके खिलाफ शिकायत न भी की हो तो भी मामला दर्ज कर लिया जाए. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है तो आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 505 के तहत स्वतः संज्ञान से कार्रवाई की जाएगी. कोई शिकायत नहीं आने पर भी मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जस्टिस केएम जोसेफ और बीबी नागरत्ना की पीठ ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से अलग अपने 2022 के आदेश के दायरे को बढ़ाते हुए ये बात कही है. पीठ ने जोर देकर कहा है कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए. पीठ ने यह भी कहा कि अदालत ने पिछले साल जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए अभद्र भाषा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया था. आपको कोर्ट का 2022 का आदेश भी बताएंगे, लेकिन अभी यह मामला शांत नहीं हुआ है. अभी सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में और भी बहुत कुछ कहा है. सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों जज अराजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है. पीठ ने कहा, हम केवल देश के संविधान और कानून को जानते हैं, हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहे हैं, हम जो भी आदेश पारित करते हैं वो हमारे द्वारा ली गई शपथ के प्रति निष्ठा है. कोर्ट को ये सख्त रुख अख्तियार इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि देश के राजनेता तो जैसे अपनी भाषा की मर्यादा भूल ही चुके हैं, भाषा का कोई मान रह ही नहीं गया. जिसके मन में जो कुछ आ रहा है वो जनता के सामने दूसरे नेता के लिए उगल दे रहा है, जिससे समाज पर असर पड़ता है, दुनिया में देश की छवि पर असर पड़ता है. जिसको लेकर मार्च 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी. उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का स्रोत है. उस वक्त जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था, क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो खामोशी से सब कुछ देख रही हैं? आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? हमारी चिंता की वजह यह है कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बनाते हैं. इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा था, जुलूस निकालने का अधिकार अलग बात है और उस जुलूस में क्या किया जा रहा है बिल्कुल अलग बात है. इस असहिष्णुता और बौद्धिकता की कमी से हम दुनिया में नंबर एक नहीं बन सकते. अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को कानून के शासन के दायरे में लाने की जरूरत है. तो अभी इस हिसाब से देखा जाए तो नेताओं की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसल रही है कि पहले 2022 में, फिर मार्च 2023 में और अब अप्रैल 2023 में कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. 2022 में कोर्ट ने अभद्र भाषा पर की थी तीखी टिप्पणी. पिछले साल शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने इन भाषणों को देश के लिए चौंकाने वाला बताया था। कोर्ट ने साथ ही चेतावनी भी दी थी कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने में किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना मानी जाएगी। उस वक्त शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं के एक पैच पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं में से एक ने शुरू में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के खिलाफ निर्देश मांगा था, और अब तो लग रहा है जैसे इसे पूरे देश में ही लागू करने का नंबर आ गया है। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट आग बबूला है, लेकिन आश्चर्य की बात एक ये भी है कि हेट स्पीच को लेकर हमारे कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है। सुनिए इस बारे में वकील अश्विनी उपाध्याय का क्या कुछ कहना है। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के ऊपर सुनवाई है। अब आप सोच रहे होंगे हेट स्पीच में सुनवाई की क्या जरूरत है। सुनवाई की इसलिए जरूरत है कि टीवी डिबेट में आपने सुना होगा हेट स्पीच हो रही है, हेट स्पीच हो रही है। पार्लियामेंट में भी कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि लोग हेट स्पीच दे रहे हैं। कई बार तो हिंदू के साधु संतों के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि वो हेट स्पीच दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हेट स्पीच पर कोई कानून ही नहीं है। हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। हेट स्पीच किसको कहते हैं इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे धर्म संसद और बाकी अलग अलग मामले सुनवाई चल रही है। हरिद्वार धर्म संसद सुनवाई चल रही है, एक दिल्ली में धर्म संसद हुई थी उसकी सुनवाई चल रही है, उसमें भी पिटिशनर्स ने हेट स्पीच का आरोप लगाया है, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हेट स्पीच है क्या, हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, हेट स्पीच किस कानून में लिखा हुआ है। कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को पता कि हेट स्पीच क्या होती है, न पार्लियामेंट को पता कि हेट स्पीच क्या होती है, न किसी सांसद विधायक को पता हेट स्पीच क्या होती है, लेकिन हेट स्पीच के ऊपर तूतू मैमे हो रही है, हेट स्पीच के ऊपर नूरा कुश्ती होती है, हेट स्पीच के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है, हेट स्पीच के ऊपर खूब बतौलेबाजी होती है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि भैया हेट स्पीच पे सुनवाई तो बाद में, पहले हेट स्पीच को डिफाइन तो करिए। व्हाट इज हेट स्पीच? पहले इसको दो ही, भाई कोई चीज़ अपराध दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कानून में लिखा हो या सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर करे, उसको डिफाइन करे। हेट स्पीच डिफाइन नहीं। ऐसे ही जो अफवाह फैलाई जाती है, बड़ी बड़ी झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जाती है जिसको फेक न्यूज़ कहते हैं या र्यूमर मॉन्गरिंग कहते हैं, अफवाह फैलाना, गलत चीज़ का अफवाह फैलाना, उस पर भी कोई कानून नहीं है। कितनी बार दंगे भड़क चुके, कितनी बार पत्थरबाजी हो चुकी, कितनी बार आगजनी हो चुकी है फेक न्यूज़ के ऊपर और हेट र्यूमर मॉन्गरिंग के ऊपर, लेकिन फेक न्यूज़ भी डिफाइन नहीं है, र्यूमर मॉन्गरिंग भी डिफाइन नहीं है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सबसे पहले आप इसको हेट स्पीच को डिफाइन करिए और हेट स्पीच को कंट्रोल करने की गाइडलाइन बनाइए। ऐसा केस टू केस नहीं होना चाहिए कि फला जगह हेट स्पीच, फला आदमी ने बयान दिया तो हेट स्पीच, और दूसरे आदमी ने बयान दे दिया तो वो तो ठीक है, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हो गया, वही बयान एक आदमी कह दे, वही बात एक आदमी कह दे तो हेट स्पीच, दूसरा आदमी कह दे तो भाई ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इस पे क्लियर कट डिफिनीशन ज़रूरी है और क्लियर कट एक गाइडलाइन ज़रूरी है। ऐसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए भी एक गाइडलाइन ज़रूरी है। बहुत सारे फेक वीडियोस आपके व्हाट्सएप पे भी आते होंगे, आपको फेसबुक में भी देखने को मिलते हैं, वीडियो कुछ और होता है, कहानी कुछ और होती है, और बाद में आजकल कुछ फैक्ट चेकर निकल के आए हैं, वो फैक्ट चेक करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट चेकर फैक्ट चेक भी कर दिए तो जिसने गलत वीडियो बनाया, फेक वीडियो बनाया, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? एक गलत वीडियो ने आग लगा दिया मोहल्ले में, समाज में, किसी कस्बे में, उसके बाद अगर उसको फैक्ट चेक भी कर लिया कि भाई ठीक है वीडियो फेक था, तो उसका नुकसान क्या हुआ? मुझे ये कहने में बहुत दुख है कि भारत का एक भी कानून वर्ल्ड क्लास नहीं है। पूरी दुनिया ने अच्छे अच्छे कानून बना लिए, लेकिन हमने कभी अपने कानूनों की तुलना बाहर से किया नहीं। अभी आपने सुना होगा परसों नरसों सिंगापुर में एक आदमी ने 2 पाउंड
गांजा बेच रहा था। एक आदमी के पास 2 पाउंड गांजा मिला था, 2 पाउंड का मतलब 900 ग्राम। फांसी दिया उसको सिंगापुर में, इसको कहते हैं कानून। अब एक आदमी अगर सिंगापुर में गांजा बेचा और पकड़ा गया और फांसी हो गई, दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा बेचने की हिम्मत करेगा क्या? ऐसे ही अगर हेट स्पीच डिफाइन हो जाए, फेक न्यूज़ डिफाइन हो जाए, र्यूमर मॉन्गरिंग डिफाइन हो जाए और एक आदमी को कड़ी सज़ा हो जाए, तो अपने आप लोग शांत रहेंगे, आप झूठ बोलेंगे नहीं, गलत बात फैलाएंगे नहीं, किसी की धार्मिक भावना आहत करेंगे नहीं, शांति रहेगी। चूँकि पता है कि यहाँ खुलेआम पार्क में हजारों लोगों के सामने धमकी देने वाला, जो बोला 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को उठा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, वो विधानसभा में नेता विपक्ष बन के बैठा हुआ है, जिसने खुलेआम पार्क में जनता के सामने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, वो बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? कानून घटिया है। जिसने गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय को गोलियों से भुनवा दिया, वो भी बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। तो अच्छे कानून की ज़रूरत है। सबसे पहले हेट स्पीच को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, र्यूमर मॉन्गरिंग को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। जो लोग गलत गलत फेक वीडियो क्रिएट करते हैं, उनको कड़ी सज़ा की ज़रूरत है, तब जाके हेट स्पीच और फेक स्पीच और ह्यूमर मॉन्गरिंग रुकेगी। केवल तूतू मैं करने से, बतौलेबाजी करने से और केवल उस पर नूरा कुश्ती करने से कोई फ़र्क नहीं होगा। आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइन बनाएगा, और नहीं गाइडलाइन बनाएगा तो सरकार को बोलेगा कि भाई आप हेट स्पीच डिफाइन करो, कुछ न कुछ इसका रास्ता निकलेगा।